हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार झा और आज मैं आप लोगों को NIT जयपुर के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि 2022 में जो जोसा काउंसलिंग होने वाली है और जो शिक्षा काउंसलिंग होने वाली है उसमें जो रहेंगे मार्क्स के ट्रेंड और जो रैंक्स के ट्रेंड रहेंगे, मैं उसको लास्ट ईयर के कटअप के डाटा के एनालिसिस पे आपको बता रहा हूँ और इस हिसाब से ही आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कितने रैंक पे कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा, जो कि आप भी आप जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा उसमें आपको ये हेल्प करेगा। और अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस जो एग्जाम दोगे उसमें भी आप एक टारगेट लेके चल सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने अभी सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है इसको केमिकल इंजीनियरिंग को दे रखा है, जो होम स्टेट के बारे में अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा। केमिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट ये राजस्थान स्टेट का, तो आपको कुछ चीजों का यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ। सीट टाइप, सीट टाइप का मतलब है कि ये सीट किसको मिल रहा है, यानी ओपन का मतलब है कि ये जनरल्स को मिल रहा है, जो इसमें हर कोई आ सकता है। ओबीसी एनसीएल ये ओबीसी स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। EWS ये EWS स्टूडेंट के लिए रिजर्व होता है सीट, और EWS फीमेल्स ओनली में केवल फीमेल्स होते हैं और वो EWS से होते हैं, और ऐसे हर एक कैटेगरी में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दूसरा दे रखा है जेंडर। तो जेंडर का मतलब ये हुआ कि जेंडर न्यूट्रल है, यानी बॉयज और गर्ल्स बोथ और सारे जेंडर्स आ सकते हैं इसमें। और फिर दूसरा एक फीमेल्स ऑनली, जो कि केवल फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने दे रखा है क्लोजिंग रैंक। तो जो क्लोजिंग रैंक दे रखा है फिर यहाँ पे, और यहाँ पे बता रखा है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओपन के लिए जो जेंडर न्यूट्रल है उनके लिए केमिकल इंजीनियरिंग 27,411 पे क्लोज हो गया था, जो कि आपका अप्रॉक्स 97.3% बनता है, और 97.3% या 97% के अप्रॉक्स जिन सबका आता है उन लोगों को चांस बनेगा यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग मिलने का ओपन से। और ओबीसी एनसीएल में 40,000 पे क्लोज हुआ है, तो ओबीसी एनसीएल को अगर 96% के अप्रॉक्स किसी का बच्चे का आता है तो उसको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। फिर दूसरा ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस आप जनरल न्यूट्रल की देख लो, 31,000 पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब हुआ कि आप 97% के अप्रॉक्स मार्क्स लाते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, ईडब्ल्यूएस और ओपन जो जनरल्स होते हैं इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, कुछ रैंक्स का ही फर्क होगा, 1,000-2,000 आपको दिख जाएगा कहीं कहीं पे, बट इतना ये फर्क नहीं होता, वो 200-400-500 का फर्क होता है। और फिर आप देख लो यहाँ पे फीमेल्स ऑनली का जो 44,000 पे क्लोज हुआ है, तो ये अप्रॉक्स आप लोगों का 95.5% की ओर जाता है। ओबीसी एनसीएल फीमेल्स ऑनली 60,000 पे क्लोज हुआ है, जो कि 94% की हो जाता है। और मैं आपको ये परसेंटाइल अपने मन से जो बता रहा हूँ इस तरीके से है कि अगर किसी बच्चे में 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं ना एग्जाम में, तो उस जगह पे ऐसे ही होता है, उस जगह पे 10,000 बच्चों का मतलब होता है 1%, ठीक है। तो आप उस हिसाब से देख लो, 60,000 बच्चे हैं यानी 6%, 100 में से 6% घटा दो आप तो 94% बचे रहे, तो ये 94% के प्रॉक्स जाता है। ऐसी कैटेगरी में आप देख लो फीमेल्स ऑनली में 1,18,000 है, जो कि आपका अप्रॉक्स 88% की ओर बनता है, ठीक है। दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग अदर स्टेट्स के लिए देख लो, अभी राजस्थान स्टेट का था, होम स्टेट था, अब अदर स्टेट्स में आते हैं, जो कि 50% सीट्स जो होते हैं वो अदर स्टेट के लिए होते हैं और 50% जो सीट्स होते हैं वो होम स्टेट्स के लिए होते हैं। तो आप ओपन जेंडर न्यूट्रल में देख लो 24,000 पे क्लोज हुआ है, ओबीसी एनसीएल का आप देख लो 35,000 पे क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस जेंडर न्यूट्रल का देख लो 27,000 पे क्लोज हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे आप एक तरीके से देखोगे तो 96% प्लस ही है आपका, 96% प्लस ओबीसी में आता है तब एडमिशन होगा, और यहाँ पर आपका 97% प्लस आता है तो होगा एडमिशन। ओपन में आप फीमेल्स ऑनली में देख लो 34,000 पे क्लोज हुआ है, और एसटी कैटेगरी में 2,46,000 पे क्लोज हुआ है, जो कि आपका अप्रॉक्स बनता है 75% अगर एससी एसटी बच्चों का आता है तो यहाँ पे हो जाएगा।
आप एससी का देख सकते हो, एससी का जनरल न्यूट्रल का देख सकते हो 1,20,000 पे क्लोज हुआ, तो इसका अप्रॉक्स मतलब होता है कि आपका 88% रैंक है। अगर 88% रैंक आता है आपका तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। फिर अब हम आते हैं दूसरे ब्रांच की ओर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, जो अभी हम होम स्टेट की बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारे डाटा को नहीं लिख रखा है, जो कि आप ऐसा सोच रहे होगे कि यहाँ पे जनरल ओपन जनरल है फिर तो इसका फीमेल्स ओनली भी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का जेंडर न्यूट्रल है तो इसका भी फीमेल्स ओनली होना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जहाँ से ये डाटा सब लिया है ना, वहाँ पे नहीं दे रखा था, यानी जोसा के और सीसा की वेबसाइट पे बस इतने सारे डाटा थे, तो मैंने उन सबको यहाँ पे लिख रखा है। तो आप देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 20,000 लाना पड़ेगा आपको होम स्टेट से, अगर आपको तो 98% जो बनता है। और ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखेगा तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 25,000 पे ईडब्ल्यूएस कंप्लीट हुआ, जो कि 97.5% है। इसका मतलब ये हुआ कि 98% के आसपास अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ये ब्रांचेस मिलने के चांस होते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के। ओबीसी अगर 97% के पास आपका अगर जाता है एनटीए स्कोर तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आसानी से। EWS फीमेल्स ओनली 51,000 पे क्लोज हुआ है, जो कि 95% के अप्रॉक्स है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अदर स्टेट की हम बात करें तो अदर स्टेट में आप देख सकते हो कि ओपन का 20,000 पे, जो कि 98,000 पे क्लोज हुआ। EWS का 21,757 पे क्लोज हुआ, जो 97.8% बनता है। ओबीसी एनसीएल जेंडर न्यूट्रल का 32,000 पे क्लोज हुआ, जो कि 96.8% बनता है। SCST एससी का जो है जेंडर न्यूट्रल 89,000 पे क्लोज है, जो कि 91% बनता है। और एसटी का जेंडर न्यूट्रल जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो क्लोज हुआ वो हुआ आपका 1,26,000 पे। ओपन का फिर फीमेल्स ओनली में 33,000 पे क्लोज हुआ। ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हो फीमेल्स ओनली 41,000, जो कि 95.9% के पे क्लोज हुआ है। फिर आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की हम बात करें, जो कि इसका दूसरा तीसरा ब्रांच। तो यहाँ पे आप सी टाइप का देख लो, बाकी सिस्टम आने वाला ओपन में देखो जेंडर न्यूट्रल का 5,542, जो कि 99.5% है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जो होता है सो सेकेंड हाईएस्ट ब्रांच होता है किसी भी कॉलेज का, तो यहाँ पे कट ऑफ हाई होगा। और ये एमआईटी जयपुर टॉप के एनआईटीज में आता है, तो यहाँ पे इस तरीके का ही हुआ। EWS का आप देख लो तो 11,000 पे क्लोज हो गया। OBC देखो तो 15,900 पे क्लोज है, जो कि 98.4% के पास जाता है। आप ये परसेंटाइल से देखते जाओ, अगर आपके मार्क्स इस तरीके से आते हैं तो सही है, और नहीं भी आते हैं तो भी टेंशन मत लो यार, क्योंकि हर बार ये परसेंटाइल में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। ये 11,000 का जो रैंक है ये जरूरी नहीं है कि 98.9% पे मिलेगा, ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, या 98.9 के जगह 99 हो सकता है, या 98.7 भी हो सकता है। ओबीसी एनसीएल का आप देख लो फिर फीमेल्स ओनली में जो 30,000 पे क्लोज हुआ है, यानी 97% पे। इसका मतलब यहाँ पे आप इस डाटा से देख लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल को अप्रॉक्स 99 के अप्रॉक्स मार्क्स आपको लाने ही होंगे, या 98 to 99, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर अब हम अदर स्टेट की बात करें, अदर स्टेट में ओपन जो है सो जनरल जेंडर न्यूट्रल जो 10,000 पे क्लोज है, जो कि 99% है। और ईडब्ल्यूएस 11,400 पे क्लोज है, जो कि 98.9% है। ओबीसी 16,000 पे क्लोज हुआ है, और एससी 97,000 पे क्लोज है। आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस करा होगा, यहाँ पे जो है 10,000 पे क्लोज हुआ है अदर स्टेट्स के लिए, जो कि अक्सर ऐसा नहीं होता है। और होम स्टेट के लिए आप देखो, यहाँ पे होम स्टेट के लिए 5,000 पे क्लोज हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये राजस्थान के कॉलेज है, राजस्थान में कोटा है, और कोटा में बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, और वो सारे के सारे बच्चे होम स्टेट, उनका 12th वहीं से होता है, तो उनका होम स्टेट जो होता है कोटा हो जाता है। इस कारण से वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए कट ऑफ हाई जाता है। मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियरिंग की हम बात करें, जो कि आपका होम स्टेट अब जो है सो राजस्थान स्टेट के लिए, तो ओपन से जेंडर न्यूट्रल से बच्चों को 41,000 पे मिल गया, जो कि 96% के अप्रॉक्स जाता है।
ईडब्ल्यूएस में बच्चों को 95.5 परसेंटाइल पे मिला, और ओबीसी एनसीएल में जेंडर न्यूट्रल को 50,000 पे मिला, जो कि 95,000 पे है आपका। और आप देख सकते हो एसटी में जेंडर न्यूट्रल का 1,89,000 पे मिला, जो कि आपका 81 या 82 परसेंटाइल बनता है। तो अगर एसटी कैटेगरी में किसी बच्चों का अगर इतना आता है, 2 लाख के अप्रोक्सिमेट रैंक आता है, तो वो चिंता ना करें, उनको यहाँ पे मिल ही जाएगा सीट। और ईडब्ल्यूएस से जो फीमेल्स वाले हैं उनका 65,000 पे गया, जो कि 93.5 परसेंटाइल है, और ओबीसी के फीमेल्स वाले 72,000 पे गया, जो कि 92.8 परसेंटाइल के अप्रोक्स जाता है, और एसटी कैटेगरी में फीमेल्स वाले में 2,22,000 पे गया, जो कि 78 परसेंटाइल की ओर जाता है। तो आप इतना देख लो, आप ये मार्क्स देख लो, मार्क्स अपने हिसाब से देख लो, और ये रैंक देख लो, ये रैंक कार्ड ऐसे हैं कि इतने आपको अगर आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं मार्क्स, अंदर आ रहे हैं आपके रैंक, तो यहाँ पे एमएनआईटी जयपुर में एडमिशन होगा। फिर ये अदर स्टेट्स के लिए देखो आप, मेटलर्जी मटेरियल तो ओपन में, ओपन है ये जनरल न्यूट्रल जनरल के लिए 39,545 पे मेटलर्जी अदर स्टेट को क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस जनरल न्यूट्रल के लिए 48,000 पे क्लोज हुआ, जो कि 95 परसेंटाइल बनता है। ओबीसी जेंडर न्यूट्रल के 94.8 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। एसटी में जेंडर न्यूट्रल 2 लाख पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल्स ओनली जो है 71,000, जो कि 93 परसेंटाइल के प्रॉक्स जाता है, वहाँ पे क्लोज हो गया। और इस हिसाब से आप देख लो, और अपने आप हिसाब से मार्क्स स्कोर करने का ट्राई करो। मैंने यहाँ पे मार्क्स नहीं लिख रखा, बट अगर आप मार्क्स देखोगे 90s, तो उसका भी एक अलग सीन होता है, वो पेपर पे डिपेंड करता है, बाकी ये सब देख लो। फिर ये सिविल इंजीनियरिंग का, मैंने उसको उस तरीके से नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम पड़ गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राउंड 2 का रिजल्ट है ये, और ये राउंड 1 का रिजल्ट है। तो जो जेंडर न्यूट्रल जो है 20,000 पे क्लोज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 20,000 पे, और फीमेल्स ओनली 37,000 पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल्स ओनली 39,433 पे क्लोज हुआ है। ओबीसी एनसीएल जो है होम स्टेट 32,000 पे क्लोज होगा। और आप यहाँ से अदर स्टेट देख सकते हो, अदर स्टेट जेंडर न्यूट्रल 26,000 पे क्लोज हुआ है। ओपन का जो है सो 46,000 पे क्लोज हुआ है, और ईडब्ल्यूएस का आप देखो तो 31,000 पे क्लोज हुआ है। आप यहाँ पे एक चीज देखोगे फिर से, वही होम स्टेट और अदर स्टेट का, यहाँ पे 20,000 पे हो गया, यहाँ पे 26,000 पे हो गया। तो इसका वही आंसर है कि यहाँ पे बच्चे बहुत जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सीट्स पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ईडब्ल्यूएस में आप फीमेल्स ओनली में देख लो 56,000 पे क्लोज हुआ है। ओबीसी एनसीएल में 38,000 पे, और ओबीसी एनसीएल फीमेल्स ओनली पे 80,000 पे क्लोज हो गया सिविल इंजीनियरिंग। और ये रहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल होम स्टेट जेंडर न्यूट्रल का 13,000 पे क्लोज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हायर ब्रांच की ओर होता है, थर्ड हाईएस्ट ब्रांच होता है किसी भी कॉलेज का। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे 13,000 पे क्लोज हो गया। ईडब्ल्यूएस जो है आपका 15,000 पे क्लोज हो गया। ओबीसी एनसीएल का 16,000 पे क्लोज हो गया, जो कि ये सारे के सारे 15,000 से 16,000 में निपट गए। अदर स्टेट में आप देख लो यार, जेंडर न्यूट्रल का कितना गया, 14,000 गया है। ईडब्ल्यूएस फीमेल्स में कितना गया, फीमेल्स में भी 16,000 गया, जेंडर न्यूट्रल्स में 17,000 गया। अब देख लो यार, कितना भी करोगे ना इलेक्ट्रिकल सब लेने के लिए यार, तुमको 98-99 के बीच में घुसना ही पड़ेगा किसी बढ़िया कॉलेज के लिए। बाकी अपने हिसाब से चिल करते रहो, और मार्क्स ट्राई करो कि सेकेंड अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए। सेकेंड अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो और कॉलेज में बढ़िया ब्रांच मिल सकते हैं, इन सब रैंक पे, इन सब रैंक्स में अदर कॉलेज में भी बढ़िया बढ़िया ब्रांच मिलते हैं, कई जगह सीएससी भी मिल सकता है आसानी से। तो ट्राई करना यार, जो रैंक आ जाए 97-98-99 परसेंटाइल के अप्रॉक्स मार्क्स स्कोर तुम कर सको एनटीए स्कोर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद, और अच्छे से एग्जाम दो, बेस्ट ऑफ लक। अगर चैनल तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे और तो नोटिफिकेशन पाते रहोगे, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो मैं काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा। और फिर दूसरी बात, एक और जो कि
अगर यहाँ पे कोई डाउट होता है ना तो तुम कमेंट कर सकते हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तुम्हारा जेई के जर्नी के किसी भी चीज के रिलेटेड तुम कर सकते हो, और तुमको रिप्लाई मैं कर दूंगा, यानी तो कोई ना कोई कमेंट में कर देगा। अगर नहीं करता है कोई तो मैं तुमको 1 से 2 दिन के अंदर मैं रिप्लाई कर ही दूंगा तुमको, और तो वो सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।